अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हर एक की हर दिल अजीज़ चिकन फ्राई। जी हाँ, वो भी बिल्कुल पुरानी जामा मस्जिद स्टाइल में हम चिकन फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे चिकन की ब्राउनिंग कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेट है, लेकिन ऐसा करने से चिकन जो है अंदर से बिल्कुल टेंडर हो जाती है, और जब इसे हम फ्राई करते हैं तो अंदर से ये ड्राई बिल्कुल नहीं रहती बल्कि बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो मैंने इसमें डाली तकरीबन 1.5 लीटर पानी, 1 बड़ा चमचा नमक और 2 बड़े चमचे विनेगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम जो है इसे 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेंगे, तो मैं इसे 30 मिनट के लिए 30 मिनट्स के लिए साइड में रख रही हूँ। 30 मिनट्स हो गए, इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने वॉश कर ली हूँ। 2 से 3 बार पानी से हमने इसे अच्छे से वॉश किया ताकि सारा नमक इसका निकल जाए। अब इसे चलिए हम मसाले लगाते हैं, और जो बड़े पीसेस है इसके ऊपर इस तरह से कट हमने लगा दिए, आप भी ज़रूर लगाएं ताकि मसाले अंदर तक पहुँच जाए। अब मैं डाली हूँ 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे नमक में भिगो चुके हैं, इसीलिए 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा। साथ में हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिला लें। और साथ में मिला रही हूँ 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें। और साथ में अब हम इसमें मिलाएंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, तो ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम मिला देंगे इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और ये रहा हमारा 1 टीस्पून चाट मसाला, इसकी जगह आप आमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मिला देंगे हल्दी पाउडर, नहीं ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, अब हल्दी पाउडर मिलाएंगे 1/2 टीस्पून। तो ये रहा हमारा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून काफ़ी है। अब यहाँ पर ये देखिए कस्तूरी मेथी को तवे पे हल्के से भूनकर मैंने इसे मिला दी, और ये दही है, दही तकरीबन 100 ग्राम दही को मैंने छन्नी पे रख दिया था, तो इसका पानी पूरा निचड़ चुका है। दही बिल्कुल थिक लें तो बेहतर है, गाढ़ा दही लें, पतला दही बिल्कुल ना लें, नहीं तो मसाले जो है चिकन पे कोट नहीं होंगे। तो इसके साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ 1 नींबू का रस, और तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने तमाम मसालों को चिकन के ऊपर मिक्स कर दिया। अब मैं मिला रही हूँ इसमें 2 टीस्पून बेसन, ये हमारा भुना हुआ बेसन नहीं है, बिल्कुल सादा बेसन है, और साथ में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह मैदा मिला सकते हो, लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिलाओगे तो चिकन पे एक मोटी सी कोटिंग हो जाएगी, और ऐसा हमें नहीं करना है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर मिलाया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए। और अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाती है। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप 1 घंटा भी रख सकते हो। तो ये चिकन हमारी बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गई है, 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखी थी, और 1/2 घंटा पहले मैंने इसे बाहर निकाल लिया था, तो ये रूम टेम्परेचर पर चिकन आ गई है। और यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने रख दी थी, तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को बिल्कुल जहनशीन रखें, क्योंकि अगर आपका तेल ठंडा होगा तो चिकन के ऊपर की कोटिंग फ़ौरन उतर जाएगी। तो आप पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसमें चिकन डालें, और चिकन को फ़ौरन बिल्कुल टच ना करें, इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह रहने दें। ये देखिए जब थोड़े से तेल के बबल्स कम हो जाए तो फिर इसे पलटें, तो इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरेगी। ये देखिए हमारी कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट चिपक गई है, बिल्कुल नहीं उतरी चिकन पे से। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि तेल का गर्म होना ज़रूरी है। और अब फिलहाल मैं चिकन को मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, दूसरी तरफ भी पलट कर इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे और फिर पलटेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ चिकन की कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब इसे अलट पलट करके हमें बिल्कुल अच्छे से गोल्डन रंग आने तक फ्राई करना है, तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर अभी फ़िलहाल फ्राई कर रही हूँ। और अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट कुक करेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाए। मैंने इसे तकरीबन 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक कर लिया, अब दोबारा से हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो तेल चिकन ने ऑब्जर्व किया वो निकल जाए। और ये देखिए चिकन कितनी परफेक्ट हमारी कुक हो गई है, हड्डियाँ नज़र आ रही है, इसका मतलब है चिकन बिल्कुल अच्छे से अंदर से टेंडर हो गई है। तो चलिए अब हम चिकन को निकालते हैं, फ्राई चिकन को, और इसका रिजल्ट भी आपको आगे बताते हैं कि ये अंदर से किस तरह मॉइस्ट एंड जूसी है। तो ये हमारी चिकन बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गई है। अब हम चिकन का सेकंड बैच फ्राई करेंगे। अक्सर व्यूवर्स का ये कहना होता है कि सेकंड बैच में उनकी चिकन की कोटिंग जो है उतर जाती है, वजह ये होती है कि तेल ठंडा हो जाता है। तो आप क्या करें, सेकंड बैच चिकन फ्राई करने से पहले तेल को अच्छा गर्म कर लें और उसके बाद इसे फ्राई करें। तो लीजिए हमारी तैयार है बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी सी
फ्राई चिकन बिल्कुल जामा मस्जिद स्टाइल में हमने इसे फ्राई किया। और देखिए इसका फाइनल रिजल्ट भी मैं बताती हूँ कितनी अच्छे से ये टेंडर हुई है, बहुत ही अच्छे से ये गल गई है। ये देखिए अंदर से भी बहुत ही जूसी है और बहुत ही मज़े की है। अभी काफ़ी गर्म है ये, तो ये देखिए कितनी जूसी है, कितनी मज़े की नज़र आ रही है। तो बस अब देर किस बात की, आप भी इस चिकन फ्राई को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी और खाने में तो बहुत ही जूसी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।